नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गौरी के रसोई में। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ आलू टमाटर और बैंगन के मिक्स भरते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी बना है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसी बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बैगन ले लिया है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलू और टमाटर को हम उबाल लेंगे। उबालने के लिए हम एक कुकर लेंगे और उसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। आलू बड़ा है तो उसे इस तरीके से 2 पार्ट में कट करके उबालेंगे। अब फ्लेम ऑन करेंगे और कुकर चढ़ा देंगे। कुकर को कवर कर लेंगे। और 2 सीटी आने तक का वेट करना है फ्रेंड्स। और 3 सीटी आने तक का वेट करेंगे फ्रेंड्स। फ्लेम हमें हाई रखना है। बैगन को इस तरीके से बीच में से कट लगाकर चेक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 लहसुन के दाने ले लिए हैं। इस तरीके से बैगन के बीच में डाल देंगे लहसुन को और बैगन के साथ पका लेंगे। लहसुन से बैगन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। फ्लेम ऑन करेंगे अब और बैगन को रख देंगे इस तरीके से। फ्लेम हमें मीडियम में रखना है। इसे घुमा घुमा कर चारों साइड से अच्छे से पका लेंगे फ्रेंड्स। आ गई है। बैगन भी पीछे से अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसे घुमा लेंगे इस तरीके से। हमारी दूसरी सीटी भी आ गई है फ्रेंड्स। इसे चारों साइड से अच्छे से घुमा घुमा कर सेक लेंगे। इसकी स्किन इस तरीके की हो जानी चाहिए फ्रेंड्स, ब्लैक कलर की। इसे हम फिर से घुमा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैगन बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। देखिए, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडे पानी में इस तरीके से डुबा देंगे जिससे छिलके जल्दी निकल जाए। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे फिर इसके छिलके निकालेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम आलू और टमाटर को बाहर निकाल लेंगे। अब हम बैगन के छिलके निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। देखिए, इस तरीके से पूरे बैगन का छिलका निकाल लेंगे हम। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसी बनी है। देखिए, बैगन का छिलका अच्छे से निकल चुका है फ्रेंड्स। देखिए,
अब टमाटर के छिलके निकाल लेंगे। देखिए कितने आसानी से निकल जा रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। देखिए आलू को भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। इन सभी को अच्छे से मैश कर लेंगे फ्रेंड्स, आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इन सभी को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन सभी को अच्छे से मैश कर लिया है। एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। एक से दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन जिन्हें हमने उबाला था, अब अदरक, थोड़ी सी धनिया पत्ती, 2 टेबलस्पून ऑयल, स्वादानुसार नमक। फ्रेंड्स मैंने लहसुन अलग से नहीं लिया है, जो हमने बैगन के अंदर उबाला था वही है। अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू टमाटर और बैंगन का मिक्स भरता बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी बना है फ्रेंड्स। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देने से मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।